अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बुलडोजर पर सवार अपने जुनून में उतावले एक चालक ने बुलडोजर को उल्टा सीधा व तेजी से चलाते हुए एक युवती को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके साथ ही दूसरी युवती ने किसी तरह अपनी जान बचाई। दुर्घटना कर चालक बुलडोजर को तेजी से चलाते हुए फरार हो गया। मृतका के परिजनों को उचित मुआवजे की मांग करते हुए क्षेत्रीय लोगों ने यातायात अवरुद्ध कर दिया। नगर पालिका चेयरमैन अयूब कालिया ने मृतका मुस्कान के परिजनों को 1,00,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देते हुए मामले को किसी तरह शांत कराया। मोहल्ला मुन्नालाल निवासी नसीम की बेटी रेशमा और भतीजी कुमारी मुस्कान घर से बाजार में सामान खरीदने के लिए निकली थी। जैसी ही दोनों युवती भैंसा रोड पर पहुंची तो चालक यश पुत्र सतीश ने बुलडोजर को लापरवाही से तेजी से चलाते हुए मुस्कान को रौंद डाला। मृतका के चाचा ने आरोपी जेसीबी चालक को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। मौके पर यह दृश्य रहा। दूसरा ड्राइवर था जो भी था मुझे नहीं पता, उसकी मैं इंक्वायरी करवा यू साहब को, मैंने कहते जांच करके मुझे सुबह बताओ। बहुत राइट, पूरी तरीके से तुम्हारे साथ रहूंगा। खर्चा टेंशन ना लो, बिल्कुल मैं खर्चे एक पैसा तुम्हें खर्च नहीं करना। गाड़ी घोड़ा तुम्हें जाना, मैं गाड़ी भेजूंगा, ड्राइवर भेजूंगा, वकील करूंगा मैं अपने। नगर पालिका चेयरमैन अयूब कालिया ने यह जानकारी दी। मामला ये हुआ, हमारे क्या नाम है ये अटोर रोड की लड़की थी हमारी बच्ची, ये रास्ते में कहीं जा रही थी तो वहाँ जेसीबी थी नगर पालिका की, इत्तफाक जगह नगर पालिका जी ओ सी भी खत्ते पर चलती थी, वो आज अतिक्रमण में गई भी है। और ये दूसरी जे सी बी जो है ना, मेरे अभी तक जानकारी नहीं है किसने भेजी, क्यों भेजी, कैसे भेजी है, मैं जानकारी दूंगा। इसका जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ़ मैं भी सख्त कार्रवाई करूँगा। और इस बच्चे के साथ जो हादसा, इसके मैं परिवार के दुख सुख में तन मन धन पूरी तरीके से साथ हूँ, जो ये चाहेंगे उनके पूरे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ हर तरीके से। हो सकते है पूरी इंक्वायरी करूंगा, जांच करूंगा, ये मुकदमा लिखवाएं, मुकदमा लिखवा में पोस्टमार्टम कराएं, पोस्टमार्टम ना कराएं तो भी मैं पूरी तरीके से पुलिस के पुलिस प्रशासन से भी कहूंगा और नगर पालिका स्तर पर भी अपनी जांच कराऊंगा, दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस क्षेत्र अधिकारी मवाना उदय प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। एक पप्पू नाम के व्यक्ति हैं जिनकी पुत्री मुस्कान जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ये किशनपुर बिराना के निवासी हैं। आज भैंसा रोड पर मार्केट आ रहे थे तो एक जेसीबी से इनकी पुत्री का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें पुत्री की मृत्यु हो गई है। उसमें पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और पीएम की कार्रवाई की जाएगी और मृतक के परिजनों से कहा गया तहरीर उनके द्वारा दी जा रही है, तहरीर प्राप्त करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस जेसीबी से घटना हुई है उसको कब्जे में ले लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। जेसीबी की कहाँ की है, किसकी बताई जा रही है? अभी तक प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है ये नगर पालिका की जेसीबी है, लेकिन उसके जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या बाकी और उससे जानकारी करके कि इसकी जेसीबी और किस कार्य से वहाँ पे थी ये सब पूरा विवेचना में शामिल किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए fastbyte.tv। नमस्कार।